तो अगर से आप लोग भी इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपने रूम के अंदर अंगीठी को जलाकर सोते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बुरा न्यूज़ है, क्योंकि इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो आखिर अंगीठी जलाने से आपकी मौत कैसे हो जाएगी, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर से आप लोग अपने रूम के अंदर अंगीठी को जलाती हैं और अपने पूरे रूम को बंद कर देते हैं तो अंगीठी जलती है, यानी कि अंगीठी में रहता है आग और आग जलता है ऑक्सीजन से, तो आग आपका पूरा ऑक्सीजन ले लेगा और आपने कमरा अगर से बंद किया होगा तो आपके कमरे का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और वहाँ पे केवल आग के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इंसान भी अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, तो जिस कारण अगर से आप लोग अपने कमरे को बंद कर देते हैं और अंगीठी को जला देते हैं तो आपके कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, जिस कारण आपकी सांस फूलने से मौत हो सकती है। लेकिन अगर से आपको अपने रूम के अंदर अंगीठी को जलाना ही है, आपकी आवश्यकता है, तो आप मेरी बताई गई इन कुछ सावधानियों को बरतिएगा जिससे आपकी मौत नहीं होगी। सबसे पहले अगर से आप अपने रूम के अंदर हीटर या अंगीठी को लगाते हैं तो आपके हीटर या अंगीठी के पास कोई भी जलने वाली वस्तु जैसे कि कपड़ा ना हो। अगर से आपके अंगीठी या हीटर के पास कपड़ा रहेगा तो अगर से गलती से भी आपका कपड़ा जल जाता है तो आपके पूरे घर में आग लग सकती है। नंबर दो, अगर से आप लोग अपने रूम के अंदर अंगीठी को जलाते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने रूम के सारे खिड़कियों को बंद नहीं करना है, किसी एक दो खिड़की को खोल के रखना है जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल आपके रूम के अंदर बना रहे, जिससे आप सेफ बचे रहेंगे। और अगर से आपको यह जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करके फैला दें, क्योंकि इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुँचानी है हमें।